आप ह्यूस्टन से हो और मैं आपका स्वागत इस ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में करती हूँ। ब्रदर शिबू डैनियल, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो क्या? हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक और बार इस प्रेयर लाइन में आकर परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करने के लिए मेरे जीवन में प्रभु ने सौभाग्य दिया। हम धन्य हैं जो मसीह कहलाते हैं। धन्यवाद के अलावा और हमारे जीवन कुछ नहीं है। जिस तरह भजन संहिता 103 में यूं कहता है, हे मेरे मन, यह वह धन्य है और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरे मन, यह वह धन्य है और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, परमेश्वर ने इतने उपकार किए हैं। जरूर हमारे जीवन में परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, हार्डशिप से हम होकर गुजरते हैं, परंतु उस बीच में परमेश्वर ने हमें मकसद इसलिए है बनाया, मनुष्य को बनाने का उसका एक ही पर्पस था, उसकी आराधना करें, भाई भक्ति के साथ उसके साथ बने रहें। एक संगति उसने हमारे साथ जोड़ा था, परंतु पाप के द्वारा वो संगति दूर हो गया, परंतु स्टिल हम वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे रोगों को चंगा करता है। अब पुनः वो लायक बनाता है कि हम कह सके, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए। आइए कुछ देर परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, हर जुबान प्रभु की आराधना स्तुति करें, क्योंकि उसने हम इसलिए बनाया है। आइए हम कुछ देर परमेश्वर को जहां भी हैं अपने आप को भूलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके प्रेजेंस में आकर उसको फील करें। पवित्र आत्मा आज पहले ही मौजूद है इस प्रेयर लैंड में, हमारे आने से पहले वो विराजमान हो चुका है इस प्रेयर लैंड में। आइए हम स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता की आराधना करें, स्तुति करें धन्यवाद के साथ। वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, Hallelujah, 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 thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We glorify your name. Oh, thank you, Jesus. Ah, hallelujah. Oh, ah, hallelujah. स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे,
मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी कर के पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी कर के पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सब मिल के गाएं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद समझ के भाई एक और बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद थैंक यू फॉर शुक्रिया ब्रदर शिबू परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे बहुत ही एक सुंदर गाना है जिसका जो है मलयालम से जो है हिंदी का इसका अनुवाद किया गया है जो है बहुत ही सुंदर गाना है मैं जो है जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं इस गाने को गाती हूँ परमेश्वर का जो उपकार है वो बहुत ही बेशुमार है उसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं सिर्फ कोटि कोटि धन्यवाद और स्तुति ही उसको अर्पित कर सकते हैं परमेश्वर ने जो है हमें योग्यता से बढ़कर दिया है हम किसी बात के योग्य नहीं है लायक नहीं है लेकिन परमेश्वर ने जो अपनी दया के निमित्त जो है हमें परमेश्वर ने दिया है और जितना हम मांगते हैं उतना ही नहीं उसके अधिक जो है परमेश्वर ने हमें दिया है और कितना अधिक जो है हम परमेश्वर के लिए आभारी हैं इस गीत के द्वारा जो है प्रभु के दास ने हमें याद दिलाया इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ब्रदर शिवु परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे और मैं ये आशा और उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले दिनों में और भी अधिक हम आप हमें इस तरीके से प्रार्थना आराधना में जो है अगुवाई करोगे आगे जो है वचन से सुनने का समय है और वचन से मनादी करने के लिए आज हमारे मध्य में डॉक्टर जस्टिन वर्गीस है यदि पास्टर आप लाइन पे हो और मेरी आवाज को सुन रहे हो लाइन पे हो या आपका स्वागत है ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में और आगे का समय आप वचन से मनादी कर सकते हो हेलो या हेलो पास्टर आइए हम दुआ करें एक और बार खुदावंत हम तेरे हाथ में अपने आप को देते हैं आज की इस रात को जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है
खुदावंद अपने आप को अपने मन को अपने तन को तेरे हाथ में देते। जिस तरीके से हमने गाना गाया, जिस तरीके से हमने गीत गाया, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ हम स्तुति करते हैं खुदावंद, धन्यवाद के साथ हम तेरे कदमों में आते हैं खुदावंद, धन्यवाद के साथ हम अपने हाथों को हमारे दिलों को हमारे मनों को तेरे हाथ में देते हैं। आज की रात जब हम तेरे कलाम से खुदावंद हम अध्ययन करने जा रहे हैं खुदावंद, तो हमसे बात कर और तू हमें हमारे अंदर वो चीज दे जो तू हमें जो तू हमसे बात करना चाहता है, जो जो तू हमसे बोलना चाहता है, वही चीज आज की रात तू हमसे बोल। खुदावंद तेरे हाथ में हम देते हैं सब कुछ, यीशु मसीह के मदर नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। लाइन में जितने भाई बहन है सबको यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा नमस्कार। जिस तरीके से ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन चल रहा है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग हैं इसके नेतृत्व में खड़े हैं और उसको नेतृत्व दे रहे हैं। ये लाइन काफी लोगों के लिए अनुग्रहित हो यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी दुआएं हैं। आज जब इस प्रेयर लाइन में आया तो सच बोलूं तो मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना था, मगर मैंने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दिया। मैंने कहा पवित्र आत्मा तू खुद मुझे एक टॉपिक दे और मुझे बता मैं कैसे बोलूं क्या बोलूं। मैं शुरू के प्रेयर से प्रार्थना जब पहली प्रार्थना हमारी हुई है वहां से लेकर अभी तक मैं जब देख रहा हूं तो एक चीज मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जॉब में हमारे कार्यालय में हमारे जीवन में हम संघर्ष कर रहे हैं, और वो संघर्ष कुछ और नहीं अस्वीकृति का संघर्ष है। संघर्ष जहां पर हम लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जब हम लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, दिल खोलकर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और जब हम उसको उसके विपरीत हम वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं वो हमको नहीं मिलता, मगर उसके विपरीत उल्टा होता है। लोग हमारे बारे में उल्टा बात करते हैं, उल्टा कार्य करते हैं, और जो हमारे दिल में ठेस पहुंचाती है। आइए बाइबल के आधार पर हम देखें कि हम ऐसे सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। जब मैं इस वचन से प्रचार कर रहा हूं इस रात को, मैं चाहता हूं अगर आपके पास हिंदी बाइबल हो तो आप कृपया मेरे लिए बाइबल खोल कर पढ़ के सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को भी, इससे थोड़ा सा एक इंटरेक्शन भी बना रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा और आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो आइए हमने बाइबल को खोलें। पहली पत्रस, फर्स्ट पीटर, पहली पत्रस उसके तीसरा अध्याय उसके नौवां पद, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3:9। अगर कोई बुराई के बदले बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमारी जिंदगी में एक बुलावट है, किसी ने हमको बुलाया है। हम पाप की गंदगी में थे लेकिन हमको पाप की गंदगी से उठाकर हमको छुड़ाया है, हमें यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू देकर हमें खरीदा है, हमें बुलाया गया है, हमें दुनिया में भेजा गया है, दुनिया के लोगों के बीच में रहने के लिए भेजा गया है, मगर हम दुनिया के नहीं है, हम दूसरे एक दुनिया के, हम वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम उस मसीह को मसीह को इस दुनिया में दिखाने वाले बनने चाहिए, हम उस मसीह के चेले हैं। देखिए अगर हम बाइबल पवित्र शास्त्र बाइबल हम जब पढ़ते हैं हमें ये समझ में आता है कि मसीहत दैट मीन्स क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन को नहीं दिखाता, मगर मोर देन दैट इट इज एन एक्सपीरियंस, इट इज एन वॉक विद क्राइस्ट जीसस। क्रिश्चियनिटी अगर पद हम देखें मसीहत, ये मसीह ने अपने चेलों को नहीं दिया और ना ही ये मसीह के चेलों ने अपना नाम रखा कि हम आज से मसीह चलाएंगे, मगर वहां पर देखा गया है कि जब चेलों को लोगों ने एंटियोक में देखा तो उनको मसीह के नाम से बुलाया गया, दे कॉल्ड देम क्रिश्चियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन एंटियोक बट बिकॉज दे वर रिसेम्बलिंग लाइक जीसस क्राइस्ट। जिस तरीके से मसीह चलता था, जिस तरीके से मसीह व्यवहार करता था, जिस तरीके से मसीह बात करता था, उनके चेले भी वैसे ही करने लगे और लोगों ने उनको मजाक में उनका मजाक उड़ाते हुए बोला ये तो मसीह के चेले हैं, ये तो मसीह ही हैं, और इसीलिए हमारा नाम पड़ा मसीही, मसीह लोग।
हम एक मसीह परिवार में पले बड़े, मसीह माँ बाप के अंडर में हम पले बड़े, इससे हम मसीह नहीं बनते। जब तक मसीहा हमारी जिंदगी में नहीं होता, जब तक हम मसीह में नहीं होते, तब तक हमारा जब तक हमारी मसीह के साथ एक रिश्ता नहीं होता, तब तक हम मसीह नहीं होते। मगर जिस दिन आपका मसीह के साथ वो जो एनकाउंटर होता है, तब होता है, उस दिन आप अपनी जिंदगी पूरी तरीके से मसीह के हाथ में दे देते हो, फिर आपके जीवन में पुनर्जन्म होता है, एक नई जिंदगी मसीह में होता है, फिर हम इस दुनिया के नहीं हैं, फिर हम मसीह के हैं, फिर उस दिन से हम रहते हैं तो जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो मसीह के लिए। जो भी हमें देखें वो हमें नहीं मगर मसीह को देखे। देखिए पहली पत्रस उसके तीसरे अध्याय उसके नौवे अध्याय में उसके नौवे पद में जैसे बहन ने भी पढ़ा उसमें लिखा गया है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। मतलब बुराई के बदले कभी कभी हम बुराई कर लेते हैं मगर आप मत करो, ना ही गाली के बदले गाली दो, मगर इसके विपरीत जस्ट ऑपोजिट टू दैट थिंग आशीष ही दो किनको, जो हमको बुराई देते हैं, जो हमको गाली देते हैं, जो हमारे विपरीत खड़े होते हैं उनको आप आशीष दो। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से आप आशीष के वारिस हो जाते हो। तो अगर आपकी आपके ऊपर कोई बुराई कर रहा है, आपके ऊपर कोई गाली दे रहा है, तो हमें खुदावंत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम एक आशीष का एक रास्ता खुदावंत खोल रहा है। यही चीज हम एक पत्र तीसरे अध्याय के नवे पद में हम पढ़ते हैं। जब इस वक्त मैं इस कलाम से प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरी जिंदगी में मैं ऐसी हम सब की जिंदगी में ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में जब बुराई करते हैं या गलत बात करते हैं तो हमें ठेस पहुंचती है, हमें कष्ट होता है और हम भी उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया। मगर आज की रात जब हम कलाम को सुन रहे हैं, आइए इस कलाम को हमारी जिंदगी में एक तब्दीली लाने पाए, मेरी जिंदगी में एक तब्दीली लाने पाए, आपकी जिंदगी में जो भी इस लाइन है आप हमारी जिंदगी में एक तब्दीली लाने पाए। क्योंकि पत्रस कहता है कि बुराई की जगह बुराई ना करें और गाली की जगह गाली ना दे। देखिए अगर हम कलीस हम मसीह के चेले हैं तो हमें हर क्षेत्र में मसीह का स्वभाव हमारी जिंदगी में दिखाना है। कौन से क्षेत्र में? आत्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, फाइनेंशियल क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में हम हो, हर क्षेत्र में हमारा मसीह हमारे आगे हो, लोग हमें देखे तो मसीह को देखे। जीवन के सामाजिक क्षेत्र मतलब हमारा और हमारे भाई के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, मनुष्यों के साथ संबंध, यहाँ पे हमारे और हमारे खुदा के साथ संबंध में बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे समाज के साथ हमारा रिश्ता है, उसमें हम कैसे मसीह को अपने आप मसीह को हमारी जिंदगी के द्वारा दिखा सकते हैं, वही मैं आज आपसे चर्चा करने वाला। छोटा सा टाइम है मगर जितना भी टाइम है मैं आपसे जल्द से जल्द आपको ये चीज ये मैसेज आपको देना चाहूंगा। देखिए हमारी जिंदगी में हर रोज हर पल ऐसा होता है, अस्वीकृति का चक्र हमारी जिंदगी में आता है। अस्वीकार किया जाना ये क्या है? अस्वीकार किया जाने को इस रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि जाने अनजाने में कोई प्रेम को रोक रहा है। मतलब मैं किसी से प्रेम रख रहा हूं, मैं किसी से अपने दिल से उससे बात कर रहा हूं, उससे वार्तालाप कर रहा हूं, उससे प्यार दिखा रहा हूं और वही प्यार उल्टे में मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मुझे वो नहीं मिलता, वरन उसका विपरीत मुझे मिलता है, तो मेरे दिल को ठेस लगती है, मुझे चोट लगती है, मुझे दुख होता है। और जब वो दुख मुझे होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अस्वीकार किया गया हूं, मुझे वो लोग पसंद नहीं करते। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी प्रक्रिया भी फिर वैसी हो जाती है, हमारे अगर कोई हमें अस्वीकार करता है फिर हम भी उल्टा उसको अस्वीकार करना शुरू कर देते, कोई हमें इग्नोर करता है हम भी इग्नोर करना शुरू कर देते। और जाने अनजाने में आप शायद नहीं जानेंगे मगर जाने अनजाने में हम एक जीवित मृत्यु को हमारी जिंदगी में लाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं हमारे दिमाग में शांति नहीं होती, हमारे दिल में शांति नहीं होती, हम 24 घंटे सोते वक्त भी उठते वक्त भी हम वही विचार हमारे दिल में दिमाग में आता है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, उसने मुझे अस्वीकार क्यों किया, जब मैं उस आदमी से इतनी मोहब्बत रखता हूं तो उसने मुझसे इस तरीके से व्यवहार क्यों किया। और ये जो विचार है हमें सुबह शाम परेशान करती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है।
अस्वीकार किया जाना विभिन्न तरीके से हो सकता है। आप अस्वीकार का अनुभव कर सकते हैं जब लोग कठोर या बुरी बातें आपसे कहें, आप अस्वीकार का अनुभव कर सकते हैं जब लोग आपको प्रेम से ना देखें, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा ठोस आपको ठेस तब लगता है जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं, मगर वही व्यक्ति आपको दोषी ठहराता है और आपके विरुद्ध में बात करता है और आपके विरुद्ध में ऐसी बातें करता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपने कभी बोला भी नहीं होगा, मगर वो व्यक्ति आपके आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है और वो हमको बहुत बहुत परेशान करती है। और इस चक्र में जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, हम भी इस चक्र के एक एक भाग बन जाते। तो अगर तुमने मुझे अस्वीकार किया तो मैं भी तुमको अस्वीकार करूंगा, तुमने मुझे झूठ बोला मेरे बारे में तो मैं भी तुम्हारे बारे में झूठ बोलूंगा। और यही चीज हमने पढ़ा कि बुराई के बदले आप बुराई मत दो, गाली की जगह आप गाली मत दो, मगर आप उस व्यक्ति को आशीषित करो। तो हमें देखते जब आप अस्वीकार होने का ये जो विचार आपके दिमाग में जब आता है तो हो सकता है आपके बारे में 100 लोगों ने अच्छी बात बोली होगी, बहुत अच्छी बात बोली होगी, और 100 लोगों ने आपके बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आपसे बोले होंगे, मगर सिर्फ एक व्यक्ति ने आपके बारे में बुरा बोला है। तो होता क्या है कि जो 100 अच्छे चीज है वो हमारे दिमाग से हट जाता है और जो एक बुरी चीज है जो किसी ने बोला है वो हमें कंट्रोल करना शुरू कर देती है और हम इस चक्र के भाग बन जाते हैं। तो हमें ये देखने को मिलता है, देखिए, या तो फिर हम उनको भी अस्वीकार करते हैं, या फिर इसका दूसरा भी एक प्रक्रिया होता है जो हम कर सकते हैं। क्या होता है कि कभी कोई हमें अस्वीकार करता है तो हम उसको पलट कर हम और अधिक प्रयास करते हैं कि अब भविष्य में वो अस्वीकार ना करे, या फिर हम और प्रयास करते हैं कि वो हमसे प्यार करे, वो हमसे मोहब्बत रखे, है ना। तो इससे होता क्या है कि जैसे कोई हमें अस्वीकार करता है तो हम कुछ निर्णय हमारे जिंदगी में लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं? मैं उससे अब बात नहीं करूंगा, मुझे उसके साथ घूमने नहीं जाना है, मैं उसके प्रति अब आलोचना करूंगा लोगों से है, मुझे उसके साथ थोड़ा सा भी व्यक्तिगत रूप से मुझे उसके साथ अपना टाइम नहीं गुजारना है, मैं भी नहीं गुजारूंगा, मेरा परिवार भी नहीं गुजारेगा, मैं उस आदमी को अब बिल्कुल पूरी तरह से रिजेक्ट करूंगा, मैं चर्च में हूँ चाहे जॉब में हूँ कहीं भी हो, मैं उस आदमी को देखूंगा, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं उसकी तरफ हंसूंगा भी नहीं, वो मेरे को हाथ भी देगा तो भी मैं उसको हाथ नहीं दूंगा। ये हमारी प्रक्रिया हो जाती है। हम गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात विचार, गंदे काम, लुच्चपन, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध और फूट। हम शरीर के कामों में पढ़ते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये शरीर का काम दिखाता है। गलातियों की पत्री उसकी 5वां अध्याय 19 और 20 पद हम पढ़े हैं। तो ये स्वभाव जो है हमारे पुराने मनुष्य का है, पुराना मनुष्य जो इस दुनिया में था, दुनिया के मनुष्य में हमारा ये स्वभाव हुआ करता था, मगर हमने क्या किया, हमने अपने आप को इस दुनिया में गाड़, हमने मसीह में अपने आप को गाड़ दिया और हम नए व्यक्ति हैं। नए व्यक्ति जो है उसके हम आत्मिक रूप से जो पैदा हुए हैं, उस आत्मिक जो व्यक्ति है उसका स्वभाव कैसा है, गलातियों की पत्री उसके 5वां अध्याय उसके 22 और 23वां पद में इस तरीके से लिखा गया, पर आत्मा के फल प्रेम, अनंत आनंद, शांति, धीरज। हाँ जी, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो जो शरीर के काम है वो मर चुके हैं, वो इस दुनिया का तरीका है। उस दुनिया का तरीका में हम पैदा तो जरूर हुए थे, लेकिन अब उस दुनिया के तरीकों में हम मर गए हैं, पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अब हमारा जो जन्म हुआ है वो आत्मिक रूप से जन्म हुआ है। तो आत्मिक व्यक्ति का एक स्वभाव, उसको पवित्र आत्मा उसको कंट्रोल करता है। हर रोज हम जब सुबह उठते हैं तो हम खुदावन से दुआ करें, खुदावन मुझे मालूम है आज का दिन जो मेरे सामने आने वाला है ये बहुत ही कठिन है, काफी लोग मेरे विरुद्ध बात करने वाले, काफी लोग मेरे विरुद्ध उठने वाले, मगर खुदावन तू अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर, ताकि पवित्र आत्मा के फल
मेरे अंदर से उत्पन्न हो, मेरे सोच को, मेरे मन को, मेरे बोल को, मेरे चाल को, हर चीज को पवित्र आत्मा तू छू और तू छू और पूरी तरह से बदल दे। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी शरीर में हूं, मगर खुदावंत पवित्र आत्मा पाक रूह तू मेरा कंट्रोल रहे, मेरे दिमाग का कंट्रोल रहे और मुझ में से तेरे फल दिखने पाए। होता क्या है इसलिए, और याकूब की पत्री तीसरा अध्याय 16 पद में भी ऐसा लिखा गया है, इसलिए कि जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर तरह का दुष्कर्म भी होता है। देखिए जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग और यहां पे इस तरह की रिजेक्शन साइकिल और कि तुमने ऐसा किया मैं तुमको ऐसा करूंगा, जब इस तरह की सोच आती है वहां पे शांति नहीं होती, मगर वहां से हमेशा बखेड़ा या कुछ तरीके का एक दुष्कर्म पैदा होता है। और जीते जी आप माने ना माने, जीते जी हम जीत तो रहे हैं, मगर एक मौत को अपनी जिंदगी में हम महसूस करना शुरू करते हैं। आपकी प्रक्रिया, आपकी प्रतिक्रियाएं नहीं लाती, ये चक्र तब तक चलता है जब तक ये जीते जी जीवित मृत्यु को हम समाप्त ना कर दें। हम क्या कर सकते हैं? गलातियों की पत्री उसकी पांचवा अध्याय पंद्रह पद इस तरह मतलब, पर यदि तुम एक दूसरे को डांटते काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे को सत्यानाश ना करो। देखिए हम जब भी हम गाली की जगह विरुद्ध में गाली और अत्याचार के विरुद्ध अत्याचार करते हैं तो हम भी उन्हीं के जैसे हो जाते हैं, तो हमारे अंदर से वो जो आत्मिक फल हैं वो नहीं आते। मगर हमें ये जानना है आज की रात को हम कौन हैं और हमारी आंखें किस पर होनी चाहिए। क्या हम दुनिया में तो हैं, क्या हम दुनिया के हैं, क्या हम दुनिया के लोगों को अपनी जिंदगी से दिखा रहे हैं क्या? यही चीज इस रात को हमें सोचनी है। आइए बाइबल को ले जाएं एक और बार, इफिशियों की पत्री, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3-8, इफिशियों की पत्री उसके पहला अध्याय उसके 3-8 पद हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे और इस अध्ययन को हम खत्म करेंगे। इफिशियों की पत्री उसके एक पहला अध्याय 3-8 पद पढ़ सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा की स्मृति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेखपालक पुत्र हो। 6 आयत की उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उसे प्यारे में सेत समेत दिया। 7 आयत हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हमको बहुतायत से किया। आमेन। इस पद में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे इसे बोला गया है कि सब प्रकार की आशीषें दी हैं, तो इसमें बोला गया है कि मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीषें आपको दी गई हैं। तो एक चीज हमें समझना है कि मसीह प्रभु में हम आशीषित हैं। डजंट मैटर लोग क्या कहें, ये फर्क नहीं पड़ता। अगर हम मसीह में हैं, अगर हम मसीह के चेले हैं, अगर हम मसीह के बच्चे हैं, तो एक चीज हमें समझना है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें, हर प्रकार की आशीषें आपके लिए खोली गई हैं। उसी अध्याय में आगे पढ़ते हम इस तरीके से लिखा गया है कि पहले उसमें चुन लिए गए हैं। हम किसमें चुन लिए गए हैं? अब मसीह में चुन लिए गए हैं, तो हम चुने हुए लोग हैं। कौन से? किसमें? मसीह यीशु में, जिसने पूरी जगत की सृष्टि की है, उस मसीह यीशु में हम चुन लिए गए हैं। तो हमें उस चीज को अंडरलाइन करना चाहिए, पहली बात हम आशीषित हैं, दूसरा हम चुने हुए लोग हैं कि हम उसके प्रेम में। तो एक चीज हमें समझना चाहिए कि मसीह यीशु ने इस दुनिया में, इस खुदावंत ने जिस पूरी दुनिया को जिसने सृजनहार किया, जिसको रचा है, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है। अगर खुदावंत हमसे प्रेम करता है तो किसका प्रेम हमको चाहिए? सबसे बड़ा प्रेम
खुदावंद हमसे प्रेम करता है, उस प्रेम में हम पवित्र हैं। हम हमारी काबिलियत के कारण नहीं, हमारी खूबियों के कारण नहीं, मगर उस खुदावंद ने जो मसीह ने जो उस सूली पर अपनी जान दी, अपनी लहू तक हमारे लिए निछावर कर दिया, उस मसीह के कारण हम पवित्र ठहराए गए। तो तीसरी बात, हम चौथी बात, हम पवित्र हैं और निर्दोष हैं। ध्यान रखना, हम मसीह में पवित्र हैं, मसीह के प्रेम के कारण हम पवित्र हैं और निर्दोष हैं। आपके ऊपर कोई भी दोष लगाए, कुछ भी दोष लगाए, अगर वो सत्य है तो डेफिनेटली हमें उस चीज का स्वीकार करना चाहिए, मगर असत्य है तो कृपया कर उसके कारण से हमारा जो एक मसीह में जो एक एक समाधान है, एक जो खुशी है, वो हमसे ना जा पाए। और शैतान जो है वो हमेशा यही चाहता है कि आपके अंदर जो मसीह का जो प्रेम है, मसीह का जो जो खुशी है, उसको छीन ले। उसके लिए एक एक चीजें आपकी जिंदगी में एक के पीछे एक मसीह लेके आती है। और अगर उस पद को हम आगे पढ़े, उसमें ऐसा और लिखा गया कि हम उसके लेपालक पुत्र हैं, हम उसके अडॉप्टेड हैं। तो हमारे पिता कौन है? हम हुआ अडॉप्टेड। हमें कितनी खुशी होगी कि दुनिया का कोई रईस आदमी हम पर अडॉप्ट कर दे तो उसकी जो भी वारिस, उसकी जो भी चीजें हमको भी मिलेगी आगे जाकर। यहाँ पे लिखा गया है यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हैं। तो हम किसके पुत्र हैं? हम यीशु मसीह के पुत्र हैं। और आगे पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं, वी आर फ्री। तो हम आशीषित हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हम पवित्र हैं, हम निर्दोष हैं, हम लेपालक हैं, हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। तो ऐसे सोच जो शैतान आपकी जिंदगी में लाता है, जो आपकी जिंदगी में को कंट्रोल करता है, जो आपकी नींद उड़ा देती है, उस चीज से हमें छुटकारा चाहिए। तो हमें एक चीज मालूम होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी हमसे मोहब्बत करे ना करे, चाहे पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट में खड़े हो जाए, हमें सिर्फ एक चीज करना है, हमें मसीह का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव हमारी जिंदगी से हमको दिखाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो मसीह हमारे द्वारा कार्य करता है। देखिए, आपके विरुद्ध में जो भी खड़ा होता है, अगर सच्चाई आपकी तरफ है, मैं आपको बताता हूं, आपके जितने रास्ते बंद हैं वो मसीह खोलेगा। क्योंकि हम जिस खुदावंत की इबादत करते हैं, वो खुदावंत सोता नहीं है और ना ही वो अपनी आंख बंद करता है। वो उसको सब मालूम है और उसको ये भी मालूम है कि आप अपनी जगह सही हो, तो वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है आज आपको ना दिखे, लेकिन आगे जाकर आपको दिखेगा कि आपका परमेश्वर आपसे कितना मोहब्बत रखता है और किस तरीके से आपके लिए रास्ते खोलने वाला है। सर्वप्रथम उसको, ईश्वर को अत्यधिक प्रेम करो जो आपके साथ है, जो आपसे प्रेम करता है। और जब आप वो करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के निर्धारित एक डायरेक्शन में आप चलते हैं, तो आपको शायद मुश्किल है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा आपको 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 वो एक कवरिंग देता है जिसके कारण से आप इस दुनिया की सारी अस्वीकृति को आप झेल सकते। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 28वां पद, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ध्यान देना इस चीज को, रोमियो उसकी 8वां अध्याय उसका 28वां पद, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमेन। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं सब मिल मिलाकर भलाई के लिए ही उत्पन्न होता है। तो आइए हम अपने आप को खुदावंत के हाथ में दें, हम अपने आप को खुदावंत के हाथ में दें और खुदावंत से बोले, खुदावंत तू हमें अपनी पाक रूह से भर दे, अपनी पाक रूह से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से। अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदावंत से दुआ करें। खुदावंत हमारी जिंदगी में काफी ठेस पहुंचे हैं, काफी जगह हमने लोगों से बहुत मोहब्बत रखी है, मगर विरोध में हमको मोहब्बत नहीं मिला, मगर लोगों ने हमसे विरोध रखा है। मगर खुदावंत तेरा वचन हमको ये बताता, आज की रात तूने हमसे बात की कि बुराई के बदले बुराई मत कर, ये आज्ञा तू हमको देता है कि तू मत कर, ऐसा मत कर, बुराई के बदले बुराई मत कर और ना ही गाली की जगह तू गाली दे, पर इसके विपरीत आशीष ही को दे, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। खुदावन
इस रात को हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं खुदावन, तूने हमको बुलाया ताकि हम आशीष के वारिस बन पाए, और उसके लिए हमारे जिंदगी में कुछ भी उसके उल्ट उसके विपरीत खड़ा हो खुदावन उसको तू हटा दे। खुदावन हम ये खुद नहीं कर सकते, तेरी पाक रूह से तेरी पवित्र आत्मा से तू हमको भर दे, तेरा नाम हमारे जीवन से जलाल पाने पाए। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं हम, सुनो ग्रहण कर। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत ही आशीष भरा संदेश आज रात को परमेश्वर ने आपकी जुबान पे दिया और सुनने वाले हम सबों के लिए बहुत ही आशीष का कारण रहा है। पास्टर साहब ने चार पांच बात को याद दिलाया है, उन्होंने जो है इस बात को याद दिलाया कि हम आशीष के वारिस हैं और हम जो है परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। बदले की भावना हमारे अंदर में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, हालांकि हम मनुष्य है लेकिन जय देने वाला प्रभु है। उस बदले की भावना के ऊपर हमें जय को प्राप्त करना है, आत्मा के फलों को हमें उत्पन्न करना है। परमेश्वर ने जो है हमें आशीष दिया है, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने हमें पवित्र और निर्दोष ठहराया है, और जो है हम परमेश्वर के जो है लेखपालक पुत्र हैं, अडॉप्टेड सन्स, और जो है परमेश्वर के लहू ने जो लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला हुआ। इस विषय को प्रभु के दास के बहुत ही सुंदर तरीके से आज रात को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर उनकी सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर, परमेश्वर आपके सेवकाई को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे, आपके परिवार में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और हम इस प्रार्थना लाइन के जो है अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। एक दो प्रार्थना विषय को मैं याद दिलाऊंगी और उसके बाद जो है हम इस सभा को आज रात को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आज रात को हम विशेषकर जो है बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं कुछ बीमार व्यक्तियों के नाम लूंगी, यदि आपको और भी कोई नाम आपके मन में याद आता है तो जरूर प्रार्थना कीजिए। बीमारों की जो है बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास है, मेरे ईमेल में है, लेकिन